दोस्तों फाइनल एग्जाम और ग्रेस मार्क्स को लेकर के छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े डाउट्स आप जैसे बच्चों के मन में चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डाउट से ही शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा कि होता क्या है एंड आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ग्रेस मार्क्स का भी पूरा लॉजिक आपको यहां पर प्रैक्टिकली साइड पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे सबसे पहले मैं दीपांशु का सवाल पढ़ लेता हूं। उससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे भी आपके साथ सारी अपडेट शेयर होती रहेगी। दीपांशु का सवाल है, सर मेरा एक डाउट है, अगर मान लो किसी बच्चे के तीन पेपर में अच्छे मतलब नहीं मार्क्स आते हैं, अच्छे पेपर नहीं गए, तो क्या उसको दो पेपर में ग्रेस मार्क्स देकर के थर्ड पेपर में कंपार्टमेंट आती है? तो इसी बच्चे के कमेंट्स में आप ही जैसे बच्चों के देखें, ये भी आप ही लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोगों इस तरह से कमेंट्स जरूर करते रहें ताकि मुझे भी आपको सॉल्यूशन देने में अच्छा लगता है और कई बार आपके आपस में डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये मल्टी कुछ नाम है, इन्होंने लिखा टीचर पर डिपेंड करता है। ब्रो अगर वो तुम्हें ग्रेस मार्क्स देंगे तो फिर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट में अगर वो ग्रेस मार्क्स देते हैं तो कंपार्टमेंट एक में आ सकता है, ठीक है। तो उसके आगे देखोगे तो सबसे पहले देखो आपको ये डाउट शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सॉल्यूशन इसके बाद बताऊँ। फिर दीपांशु ने लिखा है, मेरे तो फिजिक्स के टीचर से बात करी, मैंने फिजिक्स के टीचर से बात करी, उन्होंने कहा कि किसी को भी एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, पता नहीं अब क्या होगा। तो फिजिक्स के टीचर्स कह रहे भाई एक भी नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पे आपको नहीं दूंगा। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? उससे पहले आगे देखो क्या लिखा है, मल्टी स्टैंड कुछ ऐसा नाम है, लिखा कि मेरी भी टीचर्स ने यही कहा है, बट सीनियर ने बताया है कि बस डराने के लिए कहते हैं, अगर दो तीन मार्क्स तक ग्रेस चाहिए हो तो दे देते हैं, बाकी उसे ज़्यादा चाहिए हो तो उनके मूड पे डिपेंड करता है, मतलब टीचर्स के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स दें ग्रेस मार्क्स। एंड ऑफकोर्स इमेज कैसी है टीचर्स के सामने उससे भी इफेक्ट होता है, मतलब टीचर्स के सामने आपकी कैसी इमेज है ना, उससे भी डिपेंड करता है। ये तो बच्चों के डाउट है, एक्चुअल में होता क्या है ना वो मैं आपको करके दिखाऊंगा उसके बाद। अब यहाँ पे देखो फिर से दीपांशु ने लिखा, फिजिक्स वाले सर पर तो मुझे भरोसा है, बट केमिस्ट्री और सीएस वाले सर ने सर से मैंने इतना कमिटमेंट नहीं किया, बस डर उन्हीं टीचर्स का है, अगर वो पास कर दें फिर तो मजे ही मजे। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं आपकी क्लास में जो आपके अच्छे होते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे पास कर देंगे है ना, ये तो मुझे ग्रेस मार्क्स दे देंगे, लेकिन कुछ टीचर्स का लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो आगे क्या लिखा है दूसरे बच्चे ने, इसका रिप्लाई किया है, ब्रो तूने मुझे याद दिला के डिप्रेशन में डाल दिया। मतलब अच्छी कन्वर्सेशन है इनकी भी, मैंने आज पढ़ा तो अच्छा लगा, सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है और होगा क्या। मेरे तो फिजिक्स वाली से बनती ही नहीं और केमिस्ट्री वाली उसके साथ ही घूमती रहती है। मतलब दो टीचर्स हैं, केमिस्ट्री वाली और कौन सी फिजिक्स वाली, तो दोनों फ्रेंड हैं और दोनों से मतलब बच्चे की बनती नहीं भाई, जो बच्चे से बनेगी नहीं बच्चे की, तो मतलब ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगा और आप पास कैसे होंगे भाई, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला डाउट है। आगे देखते हैं तो भाई कुछ इस तरीके पर डाउट है आपका, ये लिखा सर ग्रेस मार्क्स मैथ्स में भी पास हो सकते हैं, मतलब ग्रेस मार्क्स से मैथ्स में पास हो सकते हैं क्या? यहाँ पर एक और बच्चे का सवाल है, उसने लिखा है, देखो सॉल्यूशन आपको जानना मतलब बहुत ज़रूरी है, आपको सही जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। सर अगर 25% नहीं आते तो एट्थ में ग्रेस मार्क्स से पास हो सकते हैं, मतलब अगर आपके 25% नहीं आते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप भी एक दूसरे के डाउट्स जब कमेंट्स आते हैं तो वहां पर भी आप उसे रिप्लाई कर दिया करें, अच्छा लगता है मुझे भी, मैंने भी आज पढ़े हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, मैं आपको प्रैक्टिकली साइड पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं सबके कमेंट्स को भाई लाइक कर देता हूं क्योंकि अच्छा लग रहा मुझे इनकी बातें देख पढ़ करके। तो चलिए भाई सबसे पहले तो मैं इनको लाइक ही कर देता हूं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी करते रहें क्योंकि ये जैसे मेरे लिए फ्री का है, मुझे अच्छा लगता है लाइक करना, वैसे ही आपके लिए भी ये फ्री और अच्छा लगना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सीधा साइड पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं DOE की साइड पे ऑफिशियली और अब मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ सीधा, मतलब करके दिखाता हूँ है ना मैंने कितने कितने मार्क्स दिए हैं और किस तरह से मैं आपको ग्रेस मार्क्स मतलब का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट पोर्टल पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो सिंपल सा मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, उससे पहले आप प्लीज कमेंट करेंगे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में, कौन सी क्लास है आपकी और आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट से लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो यहाँ पर भी आप मुझे हमारे कमेंट्स चैनल से रिलेटेड जरूर करें। तो एक बार मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ, तो भाई डिटेल फिल कर दी है मैंने, गो पे क्लिक कर दिया है और अब हम गो पे क्लिक करते ही साइट पे आ चुके हैं।
अब फिलहाल जो है आपके मार्क्स चढ़ाने की डेट तो ओवर हो चुकी है, बट मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि भाई मैंने किया क्या है, ठीक है। तो मैंने किस तरह से दिया और लॉजिक मतलब किस तरह से आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, चलिए दिखाता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों के जो माइंड में डाउट्स है ना, वो डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, कन्फ्यूजन भी रहता है। हम रिपोर्ट में जाते हैं, सीधा हमारी यहाँ पर क्लास आ गई है और फिलहाल मैं एक अलग अलग क्लास आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 9th की दिखा देता हूँ। मैं 9th ए पढ़ा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 9th ही डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो मेरे पास सब्जेक्ट हिंदी है लेकिन सभी का लगभग सेम ही रहता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई, यहाँ पर एक्चुअली नाम वाम भी आ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मार्क्स। तो 9th में क्या क्राइटेरिया है आपको वो भी समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे मतलब कितने नंबर लगेंगे। तो अगर आपके मान लीजिए 80 नंबर का पेपर है, ये मैं सिर्फ 9th की बात कर रहा हूँ, तो 80 जो है कन्वर्ट 50 में हो जाएगा। इस बच्चे के 62 मार्क्स आए थे, मैंने सिर्फ 62 ही अपलोड किए हैं भाई, मेरा और कोई रोल नहीं है। मैंने 62 जैसे ही साइड पे नंबर डाले हैं तो ये 39 इसने अपने आप कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाले मार्क्स जो टीचर्स चढ़ाते हैं ये इंटरनल प्रोजेक्ट के हैं। तो भाई ये बच्चा अच्छा था, इसने फाइल वगैरह भी दिए, इसने सारा टेस्ट भी पढ़ने में भी अच्छा है, तो इसको मैंने भाई 20 में से 19 दे दिए, क्योंकि ये मार्क्स हमारे पास होते हैं। और ऐसे ही सारे टीचर्स करते हैं भाई, दे देते हैं आपको। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में सिंसियर है और वो उसका बिहेवियर भी अच्छा है ना, जैसे बच्चे बात कर रहे थे कि टीचर से अच्छी बनती है, तो यहाँ पर जो है टीचर्स की आपके साथ कृपा हो जाती है इस जगह में, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे जैसे इसके 43 थे, तो भाई जरूरी नहीं है 43 नंबर आए हैं, यहाँ पे 48 भी आए भाई, 48 भी आए, लेकिन मार्क्स कितने, मैंने 13 दिया, ओनली 13। बिकॉज इसका रीजन है कि बच्चे ने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं, मतलब बहुत कम दिए हैं, मतलब है ना, तो फाइल वगैरह के मार्क्स। तो इसको भाई 19 भी मिले, इसको 13 भी मिले, तो ये आप समझ रहे हैं ना कि टीचर्स जो है यहाँ पर आपको मार्क्स दे देता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है ग्रेस मार्क्स देने, कहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं, कोई कॉलम ही नहीं है ग्रेस मार्क्स का। देखिए अपलोड ऑनलाइन, जो टीचर्स है ना मार्क्स अपलोडेड ऑनलाइन, भाई सिर्फ ये वाले मार्क्स जो टीचर्स ने अपलोड किए हैं भाई, सिर्फ ये वाले किए हैं, ये अपने आप आ गया, और ये वाले किए तो 2 नंबर टीचर्स ने अपलोड किए हैं। तो मेरे पास 8th बी भी है और एक बार मैं 8th का भी देख लेता हूँ, और भाई सेम ऐसे ही 7th का है, 9th का है, 11th का है, मतलब सबका ये। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये देखो मार्क्स अपलोडेड ऑनलाइन, भाई टीचर्स ने मार्क्स कौन से अपलोड किए हैं, और मैं उसके बाद कन्वर्जन भी बताता हूँ आपके। अगर मान लीजिए 60 में से नंबर आए हैं तो 50 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, टीचर्स आपको सिर्फ ये वाले मार्क्स देगा एंड इंटरनल 8th तक 30 मार्क्स देगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस बच्चे के भाई देखिए 15 नंबर आए, मात्र 15 नंबर, ये 13 अपने आप ही कन्वर्ट हो गया। मैंने 50 में से बच्चे के 30 में से 23 नंबर दे दिए, जिसमें इसके अटेंडेंस के भी है, क्योंकि मान लीजिए भाई बच्चे के यहाँ नंबर कम आए हैं, बच्चा मतलब प्रैक्टिकल पढ़ता ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं है बहुत अच्छा पढ़ने में, 60 में 15 है, बट बच्चे ने फाइल दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, प्रोजेक्ट दिया है, बच्चे का मतलब ओवरऑल पूरे साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो भाई 23 नंबर दे दिए। हालांकि इसके मार्क्स में अटेंडेंस में अच्छे नंबर आते तो इसके 25 भी आ सकते थे और 26 भी आ सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके 11 ही आए हैं तो भाई 15 दिए हैं, मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं 3-4 बच्चों में आपको मतलब डिफरेंस दिखा देता हूँ। इस बच्चे के 15 नंबर दिए हैं 30 में से, इसके 11 आए, देखिए 52 नंबर आए इस बच्चे के, 30 नंबर दिए पूरे के पूरे, अटेंडेंस में बच्चे के 5 नंबर पूरी अटेंडेंस थी, तो भाई मैंने भी 25 दे दिए, क्योंकि बच्चा पढ़ने में, लिखने में, प्रोजेक्ट में, फाइल में, मतलब हर चीज में स्मार्ट है। तो यार देखो, हाँ टीचर्स जो क्या करता है वो दे देता मार्क्स आपको, 25 भी दिए हैं, 22 भी दिए हैं, इसको भी देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, और 15 भी दिए हैं, है ना, 15 भी दिए। तो भाई जिस तरह से आप काम करते हो ना, इंटरनल असेसमेंट के टीचर्स आपको मार्क्स दे देता है। तो दोस्तों प्लीज यार, अब ये वाला डाउट तो आप अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स है ना वो टीचर्स के हाथ में नहीं है भाई, नहीं है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर्स जो है सिर्फ आपके मार्क्स अपलोड करता है, बाकी सारे जो ग्रेस मार्क्स है ना, किसको कितना देना है, वो सारे के सारे आपका डिपार्टमेंट करता है भाई, डिपार्टमेंट ही देखता है किस बच्चे को पास और फेल करना है। अब मैं आपको बता दूं, टीचर्स थोड़ी सी आपकी हेल्प कहाँ करते हैं, 25 चाहिए भाई, 80 में से आपको 80 में से 25 कितने चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 80 में से आपके यार 19 ही नंबर आए, तो टीचर्स यार प्लीज़ आपके साथ ना यार एक हेल्प कर ही देते हैं, ये समझो आप इसी को, समझो। कई बार क्या होता है कि बच्चे के यार 18 ही आए, 18.5 आए, तो यार टीचर्स कहते हैं यार क्या करें यार अपने ही बच्चे मासूम से, तो टीचर्स जो बच्चे को 1-2 नंबर दे देते हैं। बट अगर आपके 25 नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा 80 में से आपके जो है 10 नंबर आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं भाई, 5 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो यार टीचर यहां पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चा खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो भाई भगवान भी उसको हेल्प नहीं कर सकता। तो ये चीज आप समझिए, प्लीज समझिए, और बस अब आप कमेंट में कर दीजिए अपने टीचर्स के प्रति यार नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। वो सामने कई बार आपको डांट देते हैं लेकिन वो आपको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन यार बहुत ही ज्यादा डल हैं आप, तो यार आपका कुछ फिर कर नहीं सकते, बिकॉज कई बार अगर टीचर्स ने ज्यादा मार्क्स आपको दे दिए और आप उस लायक नहीं
सॉफ्टवेयर कई बार प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपको आ ही नहीं रहा क्योंकि अगली आपको बोर्ड में भी जाना है और बोर्ड क्लास में फिर रिजल्ट खराब करोगे। तो यार ये था जो आपके डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी था। ग्रेस मार्क्स टीचर नहीं देते हैं, टीचर्स के पास इंटरनल होते हैं, फाइनल मार्क्स होते हैं, बाकी हर कन्वर्जन अलग अलग मार्क्स है, मिड टर्म का अलग है, इंटरनल का अलग है, फाइनल का अलग है, तो वो आप जरूर समझिए। चैनल पर वीडियो डाला है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।